स्वाइन फ्लू का कहर दिनों दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। बुधवार को मदेरना कॉलोनी निवासी एक महिला की मौत के बाद गुरुवार सुबह मगरा पुजला स्थित राजीव गांधी कॉलोनी निवासी अहिल्या देवी की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। चिकित्सकों के अनुसार अहिल्या देवी पिछले 3-4 दिनों से खांसी और जुकाम से पीड़ित थी। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बुधवार देर रात को अहिल्या देवी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। उधर अहिल्या देवी के परिजनों का कहना है कि राजीव गांधी कॉलोनी में स्वाइन फ्लू का ये पहला मामला है। प्रशासन इस क्षेत्र में फॉगिंग करवाने के साथ ही निशुल्क रूप से टेमीफ्लू दवाई का वितरण करे। स्वाइन फ्लू से लगातार 3 दिनों में ये तीसरी मौत है। नए साल के पहले दिन बाईजी का तालाब निवासी एक मरीज की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। आज हमारे लिए बहुत दुखद खबर है कि ना हमारे जो माता जी हैं वो माता के थान एरिया रामसागर में रहते थे और उनको सर्दी जुकाम हुआ था, मामूली सर्दी जुकाम हुआ था और कुछ दिन इलाज लेने के पश्चात जैसे ही उनको सांस की तकलीफ हुई और मथुरादास में भर्ती कराया, कल रात उनकी स्वाइन फ्लू की पॉजिटिव रिपोर्ट आई और रात को सांस में दिक्कत हुई और फिर वेंटिलेटर पर लिया। जोधपुर में ये बीमारी बहुत ज़्यादा गहरे रूप से फैल रही है। मैं आम पब्लिक से भी वो करना चाहूँगा कि वे अवेयर हों उसके लिए, लेकिन प्रशासन से मैं सहयोग की अपील चाहता हूँ कि माता के थान और मंडोर ये रामसागर एरिया में पहली ये एक महिला की डेथ हुई है वो भी स्वाइन फ्लू से, तो सरकार उस एरिया में जल्द से जल्द इस रोग निवारक जो है फॉग वगैरह या जो गोलियाँ हैं स्वाइन फ्लू की टेमीफ्लू की वो गोलियाँ जल्द से जल्द घर घर दिलावें और इस रोग से लड़ने के लिए जितने भी उपाय हो सकें वो सरकार करे, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ। 24 तारीख को वहाँ बुखार आया था, वहाँ से लेके हम 29 तारीख को यहाँ मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर पहुँचे तो 30 को यहाँ रिपोर्ट करवाई तो पॉजिटिव आई और 30 तारीख से अभी यहाँ ऑक्सीजन वार्ड नंबर 1 में है। अभी उनकी सामान्य है, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट कह रहे हैं। प्रशासन से और जोधपुर शहर में ये जो गहरी बीमारी जो फैल रही है तो आम पब्लिक से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वो भी जब भी हॉस्पिटल निकले या घरों से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले और प्रशासन से ये अपील चाहता हूं कि जिस भी पेशेंट है उनके घर पे भी जाके टेमीफ्लू की गोलियां और काढ़ा हड़ा जो भी है प्रशासन को थोड़ा इनका सहयोग चाहेंगे। जैसे कि मैं जालौर से आया हूं तो वहां के प्रशासन को भी इस बारे में अलर्ट करना चाहिए कि भाई उनके घर जाके टेमीफ्लू की टेबलेटें वगैरह जो भी है वो देनी चाहिए।